अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल और आप देख रहे हैं शाइन आईटी एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं लैपटॉप्स की बैटरी के हवाले से। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जैसे ही वो अपना लैपटॉप शट डाउन करते हैं तो उनकी बैटरी ड्राई हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, ऑटोमेटिकली बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो इसको हम किस तरह फिक्स कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, तो बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं जिसको आपने फॉलो करना है। उम्मीद है इस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपके लैपटॉप की बैटरी बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे मेन्यू में, सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स, विंडो सेटिंग्स, यहाँ पे हम आएंगे सिस्टम्स और इधर ऑप्शन होगी पावर एंड स्लीप। पावर एंड स्लीप पर क्लिक किया, इधर हमारे पास ऑप्शन आ गया एडिशनल पावर सेटिंग्स, इसको ओपन करेंगे। यहाँ से हमने सेट करना है चूज व्हाट द पावर बटन डू, इस पर हमने टिक किया। तो हमने यहाँ पे चेंज सेटिंग डेट द करंट करंटली अनअवेलेबल, इस पर हम टिक करेंगे तो ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हो गई है। तो इस पे हमने जस्ट ये करना है कि शट डाउन सेटिंग में जाके बाय डिफॉल्ट ये टर्न ऑन फॉल्स स्टार्टअप रिकमेंडेड होता है, इसको हमने अनटिक कर देना है और सेव चेंज कर देना है। तो इससे ये होगा कि आपकी बैटरी जो है ना ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।